हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल कोटा बकरा। भाई लोग, मैं आज खड़ा हूँ राजस्थान के अलवर देवरी और लक्ष्मणगढ़ में। मैं आऊँ भाई अभी रफीक भाई के पास। जैसा कि आप लोगों को याद है भाई, बकरा ईद का वो मीठी ईद का सीजन ख़त्म हो चुका है, रमज़ान अभी ख़त्म हुई, ईद हुई है और अब सबका फोकस सिर्फ बकरा ईद पर रहेगा। तो इंशाल्लाह हम आए रफीक भाई के पास, काफ़ी अच्छे अच्छे मेवाती है, जैसा कि आप लोगों को याद ही एक से बढ़ के एक मेवाती तैयार करते हैं हर साल, और बच्चों का भी काफ़ी काम है। इंशाल्लाह पहले हम बड़े बकरे दिखाएंगे, बात करेंगे, पूरा एड्रेस जानेंगे इन्हीं से। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रफीक भाई, अभी हम किस प्रॉपर किस जगह खड़े हैं? अपन खड़े हैं मौजपुर देवली। मौजपुर देवली में जी। और गांव का नाम क्या है? मौजपुर देवली। मौजपुर देवली जी। तो यहाँ पे सीधा सा आने का कुछ पता रहेगा डायरेक्ट? ये अपना दिल्ली मुंबई हाईवे अपने घर से आधे किलोमीटर करीब पे जा रहा है। अच्छा, दिल्ली मुंबई हाईवे एक किलोमीटर के आसपास मान लो, वहीं पास में रफीक भाई का मकान है। तो रफीक भाई, अभी जो हम बकरे देख रहे हैं सब बड़े बकरे हैं माशाल्लाह, इसमें टोटल कितने रह गए अभी जो हम देख रहे हैं? टोटली 18 पीस है भाई। चलिए भाई, एक एक करके हम बकरे दिखाएंगे। तो बाकी की जानकारी भी ले लूं रफीक भाई, इसमें तकरीबन सबसे कम वेट का बकरा कितना होगा? इसमें आएगा 80 किलो है सबसे कम वेट, और जो सबसे ज्यादा वेट का बकरा है वो 115 किलो। चलिए भाई, एक एक करके देखते हैं। और अगर एवरेज पट्टी देखी जाए 18 पीस की, तो क्या बेटी 100 किलो के आसपास एवरेज पट्टी रहेगी। चलिए भाई, एक एक करके दिखाएं। माशाल्लाह भाई, पहला बकरा देखें रफीक भाई के हाथ में मेवाती है। थोड़ा छोड़ो रफीक भाई चेहरा इसका, लाओ इधर फिराओ। हाँ, देखिए माशाल्लाह, दांतों में कितना होगा रफीक भाई? 6 दांत है। 6 दांत है। चलो चला फिरा के थोड़ा छोड़ो इसको। हाँ हाँ, माशाल्लाह देखें भाई, साफ सुथरे तैयार बकरे हैं फुल। इसके बाद आते हैं इस कलर पे, बहुत बेहतरीन कलर है भाई, बहुत कमी से मिलता है, और सबसे बड़ी बात तैयारी पर है। ये कितने दांतों पर होगा रफीक भाई? 8 दांत फ्रेश कर लिए। थोड़ा इधर निकालो इसको माशाल्लाह। ये तकरीबन कितने वजन पे होगा रफीक भाई? ये तकरीबन बैठेगा 80 से 85 किलो। 85 किलो के आसपास जी। माशाल्लाह, आते हैं नेक्स्ट बकरे पर। ये रफीक भाई के लड़के हैं, क्या नाम है भाई इनका? रफीक भाई, आसिफ भाई। ये भी आ रहे हैं बकरेबाजी में धीरे धीरे इंशाल्लाह। देखिए भाई, बकरा काफी हेवी है। रफीक भाई, कितने दांतों पर है ये? 6 दांत है। 6 दांत, वजन काफी अच्छा ले रखा है बच्चे ने। कितना होगा वजन में? 110 किलो। दिख रही है भाई तैयारी, बोल रही मोटा बच्चा है। सब सेल्फ फिट पे भरा भरेगा, कोई काम नहीं, कोई भराई का। चलिए भाई, राउंड अप करा देता हूँ माशाल्लाह। ये देखें, ये कितने किलो पे होगा रफीक भाई ये बच्चा? ये मेरे हिसाब से पट्टी में सबसे हल्का बच्चा ये दिख रहा है, ब्रीडर है ये। अच्छा, ये नहीं है ना इसमें कि ये भी इसमें अंडूल है? ये कितने वजन पे होगा तकरीबन? ये 70 किलो। 70 किलो के आसपास माशाल्लाह। देखो चाचा के पास काफी अच्छा बकरा है पीछे, लाओ। ये भी भारी दिख रहा है भाई मेरे को बकरा, बहुत माशाल्लाह। चेक करें भाई, देखिए बकरा काफी अच्छा है, भारी है। कितना होगा रफीक भाई? ये 6 दांत है, 105 किलो के आसपास माशाल्लाह। अच्छा अच्छी, चलाओ फिराओ थोड़ा इसको। सबसे बड़ी बात भाई, सेल फिट पे तैयार है बकरे सारे। हाँ, वाइट वाइट मेवाती देखें भाई। छोड़ो छोड़ो, ये कोरन देखिए भाई, वाइट मेवाती है माशाल्लाह, खूबसूरत है। और इधर आते हैं, एक ही बकरे पे आते हैं, देखिए माशाल्लाह चीज। बकरे सब एक से एक मिलेंगे, ऐसी बात इन भाईजन के पास देखो। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा बकरा है, सबसे सबसे बड़ा बकरा ये दिखे। सबसे भाई, लोग बोल लेते हैं कि हाइट इतना नहीं है, बता देते हैं राजस्थान मेवात में देख। हाँ, फिर सभी 4 दांत की है। 4 दांत है, हाँ दिख रहे हैं भाई माशाल्लाह। 43 हाइट है फिलहाल। कितनी? 45। 43। 43 है प्रेजेंट में, 43 हाइट है। और वजन में कितना होगा भाई? वजन में 110 किलो। 110 किलो के आसपास माशाल्लाह, अच्छा है भाई बकरा। छोड़ो फिराओ तो रफीक भाई इसको। नहीं, कोई कोई जाते हैं भाई, चल जाते हैं, नहीं होते 45 इंच भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह हो जाएगा 45। इधर देखें, ये आ रहे हैं बकरे, इसको देखें कितना खूबसूरत है बच्चा, ये वाला चेहरा देखें, आँख वाइट पलक के उसकी है माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या होगा रफीक भाई डिटेल? ये 6 दांत पे है, 90 किलो वजन है। 90 किलो के आसपास माशाल्लाह, अच्छा है ये भी। इधर देखें खूबसूरत, ये देख चांदनी नार में, ये फेवर क्या बोलते हैं चांदनी नार सबसे फेवरेट कलर है ये जनता का माशाल्लाह। ये क्या है? ये पतीरा है तो शायद पतीरा अंडूले खस्ती है? नहीं, खस्ती है माशाल्लाह। देखे भाई, वाइट आइज में है और अच्छा है माशाल्लाह, पूरा गुलाबी है मेरे हिसाब से, पूरा गुलाबी है। और इधर आते हैं, ये दिखाओ, पलटो पलटो ला माशाल्लाह। देखे भाई, बोले हाँ, देखें चीज फुल तैयारी पर है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। अभी बाकी इधर राउंड अप कर देता हूँ,
देखे भाई सब एक से बढ़ के एक तैयार है। ये देखें इधर देखें माशाल्लाह, इसको देखें बीच में कलर देखें, इसको ये देखें, सब एक से बढ़ के एक बकरे हैं। तो रफीक भाई एवरेज पट्टी कितनी, 100 किलो के आसपास है, इसमें कम से कम 75-80 किलो का बकरा और ज़्यादा से ज़्यादा 115 किलो का। 80 किलो से खस्सी में कोई बकरा कम नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ डिमांड बताओगे इनकी? डिमांड तो इंशाल्लाह बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई लेता है तो डायरेक्ट बता दोगे? हाँ जी। चलिए भाई माशाल्लाह चीज़ें आपके सामने थी, पूरा 18 नगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। एक एक करके मैंने शायद बकरे भी दिखा दिए आपको, एक ही हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 नग हो गए भाई टोटल। ठीक है रफीक भाई, माशाल्लाह अच्छे नग थे सारे और फुल तैयारी पर थे। अभी तो शायद बकरा में 1.5-2 महीने बाकी है, तब तक और अल्लाह ने चाहा तो और लोच पे आ जाएंगे बकरे, बन जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो भाई ये था रफीक भाई के यहाँ से वीडियो, मौजपुर देवरी और देवली और जिला वो अलवरी लगता है ना, तहसील लक्ष्मणगढ़, ये रफीक भाई का शूट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट शूट किसका रहेगा? बच्चों का रहेगा इंशाल्लाह, बच्चे भी दिखाएंगे, टॉप क्वालिटी बच्चे निकालेंगे अल्लाह ने चाहा। और अगर कॉल करें भाई स्क्रीन पर नंबर मिलेंगे रफीक भाई के, जिस किसी को भी जैसे भी जमते हो जैसे बकरे लगते हो इंशाल्लाह कॉल कर लेना, इनको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, सुबह में याद रखिए।